किम जो मारा वाला मित्रों एंड आई समेट हियर। सो आज के वीडियो में हम BGMI का एक थंबनेल बनाने वाले हैं जो कि बहुत सिंपल है एंड बहुत ही इजी है। ठीक है, बस कुछ स्टेप्स हैं जो ध्यान में रख के आपको करने हैं, बाकी तो थंबनेल बहुत ही सिंपल है। इसका रील मतलब इसका एक छोटा सा वीडियो बना के फास्ट फॉरवर्ड का मैंने इंस्टा पे अपलोड किया होगा। अगर आपने मेरे को इंस्टा पे अपलोड नहीं फॉलो नहीं किया तो मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना, ISOFX करके मेरा है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। इवन मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लेना ताकि हम आप अपडेट रह सके कि हम क्या अपलोड करने वाले हैं नेक्स्ट और कब लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया है BGMI का जो कि पबजी का ही है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक फिल्टर ब्लर रेडियल ब्लर देता हूँ। ठीक है, स्पिन होगा तो आपको जूम करना है, क्वालिटी बेस्ट अराउंड 19 ओके कर लेना है। ठीक है, जैसे ही ओके हो जाएगा ये ऐसा रेडियल ब्लर हो जाएगा, जूम ब्लर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं मेरा जो कैरेक्टर है वो लेके आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसके ऊपर ग्रेडियंट मैप एक देना, ग्रेडियंट मैप का पैक मैंने दे रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे आपको आई बटन पे दिख जाएगा वो लिंक। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। ठीक है, इतना कर लिया। एक और ग्रेडियंट मैप आपको ऐड करना है इसके ऊपर जो कि है एक ये वाला। ठीक है, ये ग्रेडियंट मैप भी मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ का लिंक मैंने दे रखा है। ठीक है, इतना कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसा कुछ नाम था उनका। ठीक है, सो मैं इसको बड़ा करके उसको थोड़ा सा शेयर करना है आपको बस। ठीक है, और इसको पीछे लेके आना है आपको, एंड इसको जाके इटैलिक कर सकते हो अगर आपको करना है तो, अगर नहीं करना है तो आपकी चॉइस है। ठीक है, ठीक है, इतना कर लिया। अभी हम लोग फटाफट टेक्स्ट एक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और एक टेक्स्ट जो मैंने ऐड किया था उसका नाम था एक्कू रोज, जो कि चाइनीज़ टाइप फ़ॉन्ट था थोड़ा। ठीक है, सो उसका भी मैंने आपको दे रखा है, हाकुरास डेमो, हारुकेस डेमो, सॉरी हारुकेस डेमो। ठीक है, और यहाँ पे इसमें लिखता हूँ LIVE, ओके सॉरी LIVE लाइफ। और दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फॉन्ट मैंने कलर रखा है वो आपको ब्लैक ही रखे। ठीक है, आप तो उससे क्या कि ये थोड़ा विजिबल भी लगेगा और अच्छा भी दिखेगा। ठीक है, सो इसको मैं कर लेता हूँ प्रॉपर ब्लैक कलर एंड ओके रेडी टू गो। और एक और चीज़ कि आपको कैरेक्टर के पीछे, ठीक है, एक हल्का सा ग्लो देना है। ठीक है, ताकि कैरेक्टर अपना थोड़ा सा हाईलाइट और हो जाए। ठीक है, तो मैं हल्का सा यहाँ पे एक स्पॉट मार देता हूँ और इसको कर देता हूँ लिनियर हो जाए। ठीक है, या तो अब ट्राई करो आपको जो सही लगे। ठीक है, सो यहाँ पे कलर डॉज सही लग रहा है तो मे बी मैं यहाँ पे कलर डॉज रख लेता हूँ। ठीक है, एक और चीज़ अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो थंबनेल में पीछे एक टेक्स्ट था जिसकी ऊपर जिसका ब्लैक कलर में था पर जिसकी आउटलाइन थे सर। ठीक है, तो वो टेक्स्ट कैसे करना, तो कॉपी करो Ctrl+C से। ठीक है, Ctrl+D से डुप्लीकेट और Ctrl+T से आपको ट्रांसफॉर्म करके बड़ा कर लेना है। ठीक है, इसको करो कन्वर्ट टू शेप, इसको करो यू प्रेस और इसको कर दो बंद। इसको यहाँ पे कन्वर्ट टू शेप मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसकी स्ट्रोक कर लो ब्लैक। ठीक है, एंड उसका यू प्रेस करके उसकी थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा लो, एकदम दो, एक या दो की मिनिमम रखें कि उससे ज़्यादा ना रखें। ठीक है, और इसको कर लेते हम फिल्टर में जाके ब्लर और मोशन ब्लर।
ये रेस्टराइज मांगेगा, आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना ठीक है। अगर आपको कुछ आगे दिक्कत हो तो आप ये कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं ठीक है। तो इसको इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेते हैं ठीक है। अब आती है बात ब्रश स्ट्रोक्स की, तो ब्रश स्ट्रोक्स मैं उस वो भी दे रखा है ठीक है। सो हेयर इट इज़, अपना जो ब्रश है मेरे पास तो ऑलरेडी वो इसमें पड़ा है, मेरे इनबिल्ट सिस्टम में ही है ठीक है। सो उसकी दिक्कत है नहीं। तो ये ब्रश स्ट्रोक का लेयर आपको कैरेक्टर के नीचे वाइट कलर का एक स्ट्रोक दे देना ठीक है। और यहाँ पे ऐसा है ठीक है, ऐसा कुछ कर लेना है आपको ठीक है। और आपका जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ब्लेंड नहीं हो रहा है आपके जो बैकग्राउंड है, तो उसके लिए एक चीज़ आपको बताता हूँ, कंट्रोल डी डुप्लीकेट करो इसको ठीक है। कंट्रोल डी भाई हो जाए डुप्लीकेट, कंट्रोल ओके सॉरी कंट्रोल जे मैं भूल गया भाई, रियली सॉरी। कंट्रोल यू यूएन सेचुरेशन, वाई दब गया यूएन सेचुरेशन के लिए ठीक है। कलर आइज, और इसको पिंक कलर में आपको कर लेना ठीक है, जो कि थीम से थोड़ा सा मिलता जुलता कलर है ठीक है। इसका वेक्टर आर्ट कर लेना है, इसको कर दो पूरा ब्लैक, ऑल्ट बैक स्पेस से ब्रश का एक लेयर ले लो सॉफ्ट ब्रश, और उसको एकदम हल्का सा छोटा करके इसको आपको एज पे ब्रश चलाना है ठीक है। वाइट यहाँ पे फोरग्राउंड कलर वाइट ठीक है, और हल्का सा आपको यहाँ पे आपको ब्रश मारना है ठीक है, एकदम हल्का सा। ठीक है, एक ही साइड मारना, दूसरी साइड नहीं मारोगे तो भी चलेगा, मारोगे तो भी चलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है। और चाहो तो इसको लिनिड ऑयल ऐड कर दो ताकि ये थोड़ा ग्लो करे इसका बॉडी ठीक है। एक तो आपने कर लिया, अब आपको एक एक टेक्सचर है वो देना है इसके ऊपर, तो टेक्सचर का भी पीएनजी मैंने दे रखा है। सो सीधा जाओ बारबी के नीचे जो अपन ने टेक्स लगा था उसके नीचे इसको कर दो, इसका भी लिनिड हो जाए तो ख़त्म हो गया ये। और एक और टेक्सचर है ठीक है, वो भी मैंने दे रखा है पैक में ठीक है। सो इसको ना आपको बस हल्का सा यहाँ पे रखना, जब हल्का सा ठीक है, कहीं पर भी रख सकते हो जहाँ पे खाली जगह दिख रही है आपको ठीक है। कंट्रोल जे और डुप्लीकेट एंड इसको भी ऐसे दोनों को मर्ज, फिल्टर ब्लर गॉशियन ब्लर ठीक है, थोड़ा ज़्यादा गॉशियन ब्लर कर दो ठीक है। और चाहे तो थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं अपन ठीक है। अब बात आगे लीव्स लीव्स की, तो लीव्स का मैंने पीएनजी दे रखा है, सीधा आपको कोई भी इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड इसका सिर्फ कलर आपको चेंज करना है। सॉरी मैंने ग्रेडियंट पे क्लिक कर दिया, ग्रेडियंट नहीं आपको सिर्फ कलर, मैंने जिसको अपन कर देंगे पर्पल ओके। सो हियर इट इज़, अपना जो है रेडी। एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं इसके ऊपर, जो कि है अपना एक न्यू लेयर लेके सॉफ्ट राउंड ब्रश से पिंक कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे हल्का सा आपको स्ट्रोक मार देना, और इसको यहाँ पे ऐसे कर देना लिनिड ऑयल ऐड ठीक है। सो ये बन गया आपका बीजेएमआई का थंबनेल रेडी, बहुत सिंपल था, जस्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और कुछ नहीं करना है आपको ठीक है।
होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको और रील्स और वीडियोस के लिए अपडेट चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो, जहाँ पे हम लोग काफ़ी बार चैट्स भी करते हैं लाइक पब्लिक चैट में। एंड इवन वहाँ पे आप अपने वर्क्स पोस्ट कर सकते हो, जो कि मैं आपको रिव्यू करके दूंगा लाइव स्ट्रीम पे, जब भी हम लाइव पे रिव्यू करेंगे तभी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।